हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। मैंने जेट एयरवेज के कैबिन क्रू के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे अप्लाई करनी नहीं करनी है। एंड अभी ये वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ कैबिन क्रू ही नहीं, सब ग्राउंड स्टाफ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर ग्राउंड स्टाफ टू। सो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल जो भी ग्राउंड स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं। जेट एयरवेज ने हायरिंग निकाली है एंड जॉब का सोर्स उन्होंने लिंक्डइन पे डाला है, जहाँ पे उनका अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल है उस पर उन्होंने अपलोड करा है लिंक्डइन पे कि कैसे अप्लाई करनी नहीं करनी है, कौन सी चीज़ में वैकेंसी है, वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ बता रखी है। सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन चाहिए। या तो डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद, या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन दोनों से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, वो चल जाएगा। हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। टेक इट वेरी इजी, कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट और योर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, योर डिग्री सर्टिफिकेट, एंड इफ़ यू आर परसुइंग मास्टर्स स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर इट, फाइन। तो आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा और कुछ क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बताया है। एंड मैं अभी लोकेशन बता देती हूँ कि लोकेशन कौन कौन सी बताई है, एंड आफ्टर दैट मैं ये बता दूंगी कि जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें ग्राउंड स्टाफ की। ऑल्सो मैंने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड पूरे अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हो। वो भी आपको हेल्प करेंगी इस एयरलाइन के लिए, क्योंकि सारे एयरलाइन में सेम ही होता है ग्राउंड स्टाफ की बहुत सारी चीज़ें, तो इट विल हेल्प यू टू। फाइन, लोकेशन का कुछ तो ऑप्शन है नहीं, बट आप अपने रिज्यूम में जो लोकेशन वाइज आपका जो होगा वो उस हिसाब से देख लेंगे कि आपको कौन से जगह पे शॉर्टलिस्ट करके बुलानी है, ठीक है। तो आप लोकेशन देख लो कि कौन कौन सी जगह है। मुंबई महाराष्ट्र, फाइन, कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, बेंगलोर कर्नाटका, दिल्ली, जयपुर एंड राजस्थान एंड चंडीगढ़, ठीक है। 12 जगह पे उन्होंने हायरिंग स्टार्ट करी है ग्राउंड स्टाफ के लिए। एंड इट इज़ एन इनविटेशन बेसिस इंटरव्यू, प्लीज़ इंटरव्यू इनविटेशन बेस्ड है। आपको शॉर्टलिस्ट अगर करेंगे तो दे विल ईमेल यू, दैट इज़ व्हाई दे विल आस्क फॉर द ईमेल वेरिफिकेशन। प्लीज़ प्रोवाइड जेन्युइन ईमेल सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू वेरी इजिली, फाइन। सो दे विल सेंड यू इन्विटेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर द इंटरव्यू, फाइन। अगर आपको कहीं से लोकेशन पता भी चल जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अपियर फॉर दैट इंटरव्यू। यू नीड टू गेट शॉर्टलिस्ट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ऑल यू कैन अपियर फॉर द इंटरव्यू, ओके, गॉट इट। ओके, तो दिस इज द जॉब लोकेशन। सो आई विल टेल यू द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग पैसेंजर्स एंड रेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेंजर को ग्रीट करना एंड उनको वेलकम करना, यही चीज़ है, और उनके क्वेश्चंस का आंसर करना, ये सबसे पहला काम उन्होंने बताया कि ग्राउंड स्टाफ में आपका ये पहला वर्क होता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया चेक इन बैगेजेस, तो बैग को चेक इन जो करते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह जो करते हैं, वो वाला भी काम हो सकता है आपको ग्राउंड स्टाफ में। तीसरी चीज़ है कि मेकिंग रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन वाला जो होता है ना, वो सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू पोजिशन। आपको वो ये सब चीज़ों का जॉब देंगे कि आप कौन से पोजिशन में फिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे जॉब आपको मिलेंगे। चेक रिजर्वेशन के बाद में उन्होंने बोला सेलिंग एयरलाइन टिकट्स, तो एयरलाइन टिकट्स भी सेल किया जाता है। आप शायद एयरपोर्ट पे जब कभी गए हो तो आपको पता चलेगा कि ये टिकट्स भी सेल होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो उसके लिए भी चाहिए होते हैं, पोजीशंस खाली हैं तो आपको उसके लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट उन्होंने दिया हुआ है स्टॉकिंग एयरक्राफ्ट विथ रिफ्रेशमेंट, तो एयरक्राफ्ट में जो भी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है ना पैसेंजर को जो प्रोवाइड करते हैं, वो वहाँ के लिए भी जो एक कोई चाहिए होता है पर्सन जो इस चीज़ को हैंडल करे या जो इस चीज़ को करे, तो उसके लिए भी ग्राउंड स्टाफ में ही हायरिंग होती है। तो ये भी एक पोजीशन है खाली है, तो इसके लिए भी आपको जा सकते हैं। तो टोटल इसमें 6 है, 6 पोजीशन है, इन सब में से कोई में भी आपको वो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करोगे या वो चूज़ करेंगे, वो तो आपको इंटरव्यू के वक्त ही पता चलेगा, बट अभी तो पता नहीं चलेगा। बस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये चीज़ें होंगी, उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। ऑल्सो अगर आप लिंक्डइन पे जाके खुद अप्लाई करना चाहते हो, तो आप डाउनलोड करो फोन में, आप लिंक्डइन पे जाके खुद अप्लाई सर्च करो जेट एयरवेज के प्रोफाइल, एंड आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, एंड मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। वन मोर थिंग, बहुत कहते हैं कि लिंक ऐप वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, सी स्पीड ऑफ नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नेट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप कोई क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो ना, तो स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका फ़ोन में स्पीड ऑफ नेट नहीं है ना, तब आप बहुत ज़्यादा इशू फेस कर सकते हो। ट्राई टू रिफ्रेश योर पेज एंड देन अप्लाई फॉर दी पोजिशन, क्योंकि इशूज़ हो जाते हैं। अगर वन टाइम में नहीं होती है तो 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, अप्लाई फॉर इट, फाइन। ओके, चलो दिस इज इट, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल प्रिया फ्लाई। अगर आपको कुछ भी ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं एंड पिक्चर सेंड करनी है, देन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, अदरवाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम मी। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल, सो डोंट पैनिक। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू शेयर गाइज, अपने भाई अपने बहन के साथ भी शेयर कर सकते हो। टेल देम टू गो फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस वंस, कुछ इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलो बाय।